नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज इस वीडियो में आप जानेंगे स्विगी पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है और ऑनलाइन फूड ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे, टाइप करेंगे स्विगी, इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ओटीपी डालेंगे, अलाउ कर देंगे, ओनली दिस टाइम करेंगे। अब आप तो यहाँ देख सकते हैं डिवाइस लोकेशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो ओके कर देंगे। आप यहां देख सकते हैं आपका अकाउंट बन चुका है। आप चाहे तो यहां पे अदर पे क्लिक करके मैन्युअली अपना एड्रेस सेव कर सकते हैं। तो चलिए फूड ऑर्डर करना सीखते हैं। फूड ऑर्डर करने के लिए सिंपली रेस्टोरेंट पे क्लिक करेंगे। आप यहां देख सकते हैं रेस्टोरेंट का मेनू खुल चुका है। आप रेंडमली किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए मैं सिटी फूड कोर्ट से जो है ऑर्डर करता हूँ। देख सकते हैं रेस्टोरेंट का डिश मेनू खुल चुका है। आप यहाँ से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे डिश का नाम दिया गया है या फिर यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे, चिकन बिरयानी सिंपली ऐड कर देंगे। अगर आपको हाफ चाहिए तो हाफ रहने देंगे, अदरवाइज फुल चाहिए तो फुल पे क्लिक करेंगे, ऐड आइटम करेंगे, व्यू टू कार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा टोटल बिल 150 रुपीज़ का बना है। यहाँ पे आपको अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 129 से एबव का फूड ऑर्डर करने पे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए इसको अप्लाई कर देंगे। देख सकते हैं आपको 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल चुका है। यहाँ पे जो है हम प्रोसीड टू पे करेंगे। अब आप देख सकते हैं अगर आप अमेजन पे, पेटीएम, फ़ोनपे, फ्रीचार्ज, मोबीक्विक यूज करते हैं तो आप यहां से अकाउंट लिंक कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं यहां पे क्लिक करके, या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं, या UPI के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, या कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हैं। चलिए कैश ऑन डिलीवरी कर देते हैं, पे विथ कैश करेंगे। ये हमारा ऑर्डर रिसीव हो चुका है। आप देख सकते हैं आप चाहे तो यहाँ से आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट को कॉल आकर जो है ऑर्डर के बारे में बता भी सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया है तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक शेयर, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।